खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार बीजेपी के वोट बैंक पर खतरा मंडराने लगा। अब मोहन भागवत चुल्ला चुल्ला कर कह रहे हैं कि जाति बिरादरी भगवान ने नहीं बनाई। अब मोहन भागवत सीधे तौर पर पंडितों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन वो रामचरितमानस पर कुछ भी बोलने से दूर भाग रहे हैं। मोहन भागवत ने जातिवाद के लिए सीधे तौर पर ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया, लेकिन जातिवाद के बहाने वो उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने बरसों पहले धर्म बदल लिया। मोहन भागवत अब अपनी ही जाति को बुरा कह रहे हैं। मोहन भागवत को अब लगने लगा है कि अगर ब्राह्मणों के जिम्मेदार नहीं ठहराया तो उनकी सत्ता पर काले बादल मंडराने लगेंगे। अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि पंडितों ने जाति बनाई है। मोहन भागवत को अच्छी तरह से मालूम है कि जिस दिन बीजेपी से हिंदुत्व का टैग छीन लिया, बीजेपी का खात्मा हो जाएगा, उस दिन दान दक्षिणा देने वाला भी कोई नहीं होगा और ना ही उनके गांव को छूकर कोई आशीर्वाद लेने आएगा, क्योंकि इसी जाति की वजह से मोहन भागवत को इतना सम्मान मिल रहा है। इसी जाति की वजह से ही मोहन भागवत को मंदिर में घुसने से कोई नहीं रोकता और इस जाति की वजह से ही उनको देश की 85% आबादी पर राज करने का मौका मिल रहा है। जब हमारे देश में जाति के नाम पर दलितों को मंदिरों से खदेड़ कर भगाया जाता है, तब मोहन भागवत क्यों खामोश रहते हैं? जब जाति के नाम पर दलित और पिछड़ों के हक मार लिए जाते हैं, तब भागवत की जबान क्यों खामोश होती है? भागवत साहब को बताना चाहिए कि उनको जो सरनेम मिला है वही सरनेम क्या दूसरे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मोहन भागवत खुद भी इसी जाति के गुरूर में चूर चूर है, लेकिन वो जाति के नाम पर पंडितों को गलत कह रहे हैं। मतलब रामचरितमानस की वजह से आज भाजपा और संघ परिवार को देश की बहुसंख्यक आबादी के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। रामचरितमानस में महिलाओं और दलित पिछड़ों के बारे में जो कुछ भी लिखा है उसे बहुत तकलीफ देह है, लेकिन रामचरितमानस कोई वेद पुराण नहीं है, वो एक महाकाव्य है और एक कवि की कल्पना को किसी दीवार में कैद नहीं किया जा सकता। भारत में हजार साल से जातिवाद का बोलबाला है। सोने का गुल्लक लेकर पैदा होने वाले लोग जाति के नाम पर खुद को सबसे ऊंचा समझते हैं। आज भी हमारे देश में खुद को ऊंची जाति समझने वाले मानसिक बीमार हर जगह नजर आ जाएंगे, जो दूसरों को कमतर समझते हैं। पर सवाल है कि इस जाति प्रथा को शुरू किसने किया? अगर आज किसी किताब में जाति के आधार पर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लेकिन मोहन भागवत बहुत ही चतुराई से जाति के नाम पर दूसरों को निशाना बना रहे हैं, जबकि उनकी कोशिश जातिवाद को खत्म करने पर होनी चाहिए। लेकिन जाति के नाम पर अपने भाषणों में मोहन भागवत उन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं जिन लोगों को गैर हिंदू कहा जाता है। रामचरितमानस में महिलाओं को दूसरी जातियों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसके खिलाफ हिंदू समाज ही मुखर हो चुका है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद देवौर ने जिस तरह से रामचरितमानस के खिलाफ बयानबाजी शुरू की है, उससे हिंदू समाज में जातिवाद के खिलाफ एक बगावत खड़ी हो गई है। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत बहुत चतुराई से रामचरितमानस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि समाज के बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया और इसलिए देश पर आक्रमण हुए, यहाँ तक कि इसी वजह से बाहर देश से आए लोगों ने हमारे देश में राज किया। मोहन भागवत संत शिरोमणि रोहिदास जयंती पर मुंबई में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में वो विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने बोलते हुए कहा कि हमारे समाज के बंटवारे का ही फायदा दूसरों ने उठाया, इसी का फायदा उठाकर हमारे देश में आक्रमण हुए और बाहर से आए लोगों ने फायदा उठाया। हिंदू समाज देश में नष्ट होने का भय दिख रहा है क्या? ये बात आपको कोई ब्राह्मण नहीं बता सकता, आपको समझना होगा। हमारे आजीविका का मतलब समाज के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा कोई नीचा या कोई अलग कैसे हो गया? उन्होंने कहा, भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक है, उसमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत था। देश में विवेक चेतना सभी एक है, उससे कोई अंतर नहीं है, बस मत अलग अलग है। धर्म को हमने बदलने की कोशिश नहीं की, बदलता तो धर्म छोड़ दो। मोहन भागवत ने इसके अलावा संत रोहिदास और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जमकर तारीफ की, लेकिन ये संघ परिवार की आदत है, वो जैसा मंच देखते हैं वैसी ही बात करते हैं, जैसा देश वैसा भेस।
लेकिन उनके मन की नफरत गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है। उन्होंने बाहरी आक्रमण का जिक्र किया है, समाज में बंटवारे से दूसरों के फायदे का जिक्र किया है, यानी वो कहना चाहते हैं कि अगर हिंदू समाज आपस में बट जाएगा तो इसका फायदा दूसरों को होगा। पर सवाल है कि दलित और पिछड़े हजारों साल से सताए हुए माने जाते हैं। भारत के इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो बाहरी ताकतों को भारत पर हमला करने के लिए हमेशा ही शासक वर्ग ने बुलाया है। शासक वर्ग ही लड़ाई लड़ता था और शासक वर्ग ही अलग अलग राज्यों पर राज करता था। शूद्रों को तो पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। अब अगर भागवत के बयान पर गौर किया जाए तो उन्होंने कहा कि संत रोहिदास, तुलसीदास, कबीर, सूरदास से ऊँचे थे, इसलिए संत शिरोमणि थे। संत रोहिदास शास्त्रार्थ में ब्राह्मणों से भले ही नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने लोगों के मन को छुआ और विश्वास दिया कि भगवान है। अब इनके इसी बयान को जरा गौर से देखिए। वो संत रोहिदास को कमतर भी समझ रहे हैं और ब्राह्मणों से हारा हुआ भी करार दे रहे हैं। मतलब मोहन भागवत एक तरफ जातिवाद का सारा दोष पंडितों के माथे पर मढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मणों को विजेता भी घोषित कर रहे हैं। क्या मोहन भागवत बताने का कष्ट करेंगे? बाहरी ताकत का मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मोहन भागवत इस बात को समझा सकते हैं कि जब भारत में सिर्फ हिंदू ही हिंदू थे, तब हिंदुओं को लड़ाने वाला कौन था? तब बौद्ध धर्म कैसे वजूद में आया? तब जैन धर्म कैसे वजूद में आया? मोहन भागवत धर्म के नाम पर सबको एक होने की नसीहत दे रहे हैं। जब मोहन भागवत को लगने लगा कि छोटी जाति और बड़ी जाति के नाम पर भाजपा की सियासत खत्म हो जाएगी, तब उन्होंने इस तरह का बयान देना शुरू कर दिया है। गोल मटोल बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत साफ नजर आ रही है, जिस पर वो बार बार पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुकके जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुकके जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।